मशीन में हमने क्लच तार और रिवर्स तार लगानी है, ये लीवर हैं और ये तारे हमारे पास आई हुई हैं। ये रिवर्स तार वाला यहाँ पे फ्री नट है, यहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ ऊपर से लीवर के ये नट है, इसको अंदर करेंगे, ये नट को टाइट करेंगे 10 नंबर की चाबी से अंदर करेंगे, अंदर की तरफ टाइट कर देंगे। यहाँ पे इतना अपने तार को लगा लेना है, थोड़ा सा और करेंगे जी टाइट। ये वाली तार यहाँ पे रिवर्स वाली लगेगी, हमने ऊपर से नट तो टाइट कर दिए, यहाँ पे नीचे फोर्क में डाल के रिवर्स वाली तार को ऊपर दोनों हाथों से जोर से झटका मार के खींच के लगाना है। ये देखो बीच बैठ गई है ना, अब वहां से नट को हम बाहर निकाल देंगे तो तार प्रॉपर सही ढंग से टाइट हो जाएगी, यहाँ नट से बाहर निकाल देंगे ठीक है। अब हम क्लच वाली तार को भी इसी तरह हम अंदर की तरफ टाइट करेंगे, इसमें भी 10 नंबर की चाबी से अंदर की तरफ टाइट कीजिए, और यहाँ पर भी ये वायर को लगाना है, ये वायर है इसको भी हम यहाँ पे लगा के नट को टाइट कर देंगे, ये नट लगा के टाइट कीजिए, यहाँ पर भी 10 नंबर की चाबी की मदद से हम टाइट करेंगे। यहाँ पे ये नट को हमने पूरा अंदर की तरफ टाइट कर देना है ठीक है जी, ऊपर से लीवर को उसी तरीके से ये भी अंदर लगा देना है, ये भी अंदर कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमने नट टाइट कर दिए हैं, अब यहाँ पे हमने दबा के देख रहे हैं, लो जी लो ये लीवर में दबके लग गया है भाई। उसके बाद हमने नटों को बाहर निकाल देना है तो तार ये टाइट हो जाएगी, क्लच वाली तार टाइट हो जाएगी। जब भी अगर क्लच वाली तार हम ढीली बोल रहे हैं तो नट को बाहर निकालेंगे तो तार टाइट होती है, इसे हम बाहर निकाल देंगे। इसी तरह हमने क्लच वाली तार लगा दी है, अब रिवर्स और क्लच वाली तार के बाद मैं रेस वाली तार लगा के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पहले हमने एयर फिल्टर की चुटकी ये उतार लेनी है, इसे खोलिए, एयर फिल्टर वो बाहर निकाल लेना है, और यहाँ पर एक ये मक्खी दी गई है ये वाली, और एक ये वाली दी गई है। यहाँ पे तार को टाइट करना है, आउटर यहाँ तक आएगी, इस नट को टाइट नहीं करना, इसे चाहे बाहर निकाल के फेंक देना है अपने ठीक है। यहाँ पे तार निकाल के यहाँ पे तार में टाइट हो जाएगी, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे तार निकालनी है। यहाँ से वो स्क्रू हमने खोल देना है, दोनों स्क्रू खोलने हैं, पहले और दूसरे वाले, अभी दूसरा स्क्रू हमने ढीला कर लेना है, पहला स्क्रू हमने खोल के फेंक देना है, दूसरा स्क्रू ढीला करना है बस। उसके बाद तार इनके बीचों से निकालनी है, पहले पीछे वाले से नट से निकालेंगे, यहाँ से हमने वायर निकाल लेना है, वायर निकल गई, अब दूसरी मक्खी से भी वायर इसी तरीके से निकाल लेना है हमने। ये हमने वायर निकाल लेनी है, वायर यहाँ निकाल के खींचनी नहीं है वायर को, ये ऊपर से रेस लीवर को पीछे निकाल देना है, और तार को अंदर ये डब्बा है, ये डब्बा है, इसे अंदर धकेल देना है, तार पूरी पीछे लीवर पीछे करके डब्बे को अंदर धकेल देना है। अब यहाँ पे आके हमने ये तार को यहाँ पे लगाना है और इसको पीछे मोड़ देना है ताकि रेस ज़्यादा ना पड़े, इसे पीछे मोड़ के ये तार को अब यहाँ पे हमने टाइट कर देना है, तो इस तरीके से हम रेस तार भी फिट कर देंगे। यहाँ पे लाइट वाली, सेल्फ वाली वायरिंग और ऑन ऑफ वाली वायरिंग हम लगाएंगे ठीक है जी। ये लाइट वाला शॉकेट आया है, इसके साथ ये एक टुकड़ा साथ में आता है किट में, तो यहाँ पे जॉइंट हमने कर देना है, दूसरा लाइट वाला शॉकेट इसमें लगाना है, लगाइए जी शॉकेट को, ये लाइट वाला जॉइंट हो गया है। अब ये वायरिंग, ये दो टुकड़े बच गए हैं, ये हम लगाने हैं, ये येलो वालों को हमने सेल्फ वायर लगाना है यहाँ पे सेल्फ वाले पॉइंट में, और रेड वायर लगा देनी है बैटरी के लिए, और तीन वायरें ऊपर से आ रही हैं, ये देखिए तीन वायरें ऊपर से आ रही हैं, इनमें से वाशर वाली वायर को यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे लगा के हमने नट को टाइट कर देना है जी। तो बाद ये तीनों वायरें लगा के, येलो लाइट वाली और जो वाइट आई है सेल्फ वाली स्विच से, और रेड बैटरी के लिए तीन वायरें यहाँ पे हमने जोड़ देनी है, नट को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। बैटरी वाली तार का नट कोई भी जॉइंट ढीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट हो सकती है। बची हैं ये ब्लैक वाली वायर को हमने जो अंदर ये गुग्गी के अंदर से आई है ब्लैक वाली, उसके साथ जॉइंट करना है। उसके बाद ये ब्राउन कलर वाली वायर बची है, यहाँ से अंदर से कवर के अंदर से आ रही है, ये चार्जिंग शॉकेट वाला होता है, चार्जिंग शॉकेट यहाँ से इसके साथ जॉइंट कर देंगे।
यहाँ पर सेल्फ वाली वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये लाइट वाला पॉइंट बचे हैं हमारे पास, ये अर्थ के लिए लगाएंगे, बॉडी के साथ अर्थ करेंगे। और यहाँ पे ऑन ऑफ वाली वायर बची है, इसलिए ऑन ऑफ वाली वायर को यहाँ टैंकी के नीचे से ब्लैक वायर आ रही है उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। ये ऑन ऑफ के लिए जो टैंकी के नीचे से आ रही है वायर, ये ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। और जो बच गई वाशर वाली वायर बच गई और लाइट वाली वाशर बच गई, इसे बॉडी के साथ कहीं पे भी ज्वाइंट कर देंगे हम। बॉडी के साथ ज्वाइंट करेंगे जी, यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है जी, यहाँ पे टैंकी के नट में नीचे ज्वाइंट कर देना है। दो वायर करिए, यहाँ पे ये दोनों वायरें हमने जोड़ दी हैं। इस तरह ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो दूसरी वायर है ब्लैक वाली, इसे बॉडी में कहीं पर भी ज्वाइंट कर देना है। और यहाँ पर सेल्फ वाला काम भी हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।